दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे इसका जो अपर पार्ट है, नॉब है ऊपर का, उसका सेटिंग कैसे करना है और इसको लगाना कैसा है। तो दोस्तों, इसमें ये ओरिंग लगता है यहाँ पर, ठीक है। ओरिंग लगाने के बाद ये एक्चुअली इधर देखिए, इधर खाँचा है, ठीक है। तो इधर भी खाँचा है, तो खाँचे में आपको उसको लगा देना है परफेक्टली, ठीक है। ये प्लेट लगाने से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें भी आपको यहाँ पर खाँचा दिखेगा, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर खाँचा है, वही खाँचा इधर जाके लगेगा, ठीक है। तो आपको इसको सीधा लगा देना है यहाँ पे, सेंटर पे ऐसे आवाज आएगा, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये रहेगा, ये इसका आप ऊपर से इसको लगा देना है, पुश करना है सिर्फ अंदर, ठीक है। अंदर पुश करने के बाद ये जो लॉक है, ये लॉक लगा देना है, ठीक है। अभी इसको सीधा ही रखना है और अभी आपका लाइन का पानी चालू करना है। चालू करने के बाद ये देखेंगे, इस पार्ट को ऐसे सीधा ही लगाना है। और अभी चालू करने के बाद देखिए, स्पाउट चालू होगा, देखिए चालू है। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं लगाना है, ठीक है। पहले आपको पानी को बंद करना है। तो अभी जहां पर भी पानी बंद होता है स्पाउट का, तो वहां पर देखेंगे, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। और अभी लेफ्ट साइड में जाएंगे तो शावर चालू होगा, अभी बंद हो गया। तो इसको आपको अंदर पुश कर देना है और ये ऐसे ही सीधा लगेगा, ठीक है, बिटा देना है, ठीक है। और अभी देखेंगे लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड में गए तो स्पाउट चालू हो गया और यहाँ पर बंद हो जाएगा, और राइट साइड में जाएंगे तो शावर चालू होगा, ठीक है। तो ऐसा सेंटर में बंद होना चाहिए। पानी बंद होने के बाद ही इसको आपको सीधा लगाना है और उसके बाद में इसको कैप को लगा देना है।